अगर देखें तो आधुनिक अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या, इसके भी निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है, अहर्निश जारी है। अयोध्या की आत्मा को समेटकर, मूल आत्मा को सजोकर आधुनिकता के कलेवर में चिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है। और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्मस्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्मस्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए, गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से बात करके, उनसे जानकारी हासिल करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। ये बताना आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के जो भी विशद दिव्य भव्य निर्माण होते हैं, चाहे वो केदारपुरी का निर्माण हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर के विश्वनाथ काशीधाम विश्वनाथ धाम के का निर्माण हो, या फिर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इन सभी निर्माण कार्यों की विशद समीक्षा की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिससे कि इस मंदिर को आध्यात्मिकता के अनुसार साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जा सके। ये मंदिर परिसर के बाद तकरीबन 25 फीट बाद ये मंदिर का मुख्य क्षेत्र है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अग्रसर हो रहे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के भावी मंदिर के गर्भगृह की तरफ। परंपरा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गर्भगृह की तरफ। हस्त प्रक्षालन और अपनी पादुका को से निवृत्ति पाने के बाद इस समय एक बार फिर भावी दिव्य भव्य धाम के गर्भगृह की तरफ अग्रसर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा, तो गर्भगृह का जो निर्माण है वो सफ़ेद संगमरमर द्वारा किया जाएगा। और गर्भगृह के जो स्तंभ हैं, जो गर्भगृह के जो पिलर्स हैं, जो गर्भगृह का जो स्वरूप है वो बेहद विशिष्ट है। और साथ ही साथ इसके पीछे का जो क्षेत्र है, दर्शनार्थी श्रद्धालु राम भक्त वहाँ से भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और ये मंदिर निर्माण का जो काम शुरू हुआ तो अनेक चुनौतियाँ भी थी, पर्यावरणीय चुनौतियाँ, जो बंशी पहाड़पुर से पत्थर लाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी सरल करते हुए, पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को संरक्षित करते हुए, लेकिन वहाँ से पत्थरों का की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से किया गया। और जो भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों के स्तंभ हैं, जो मंदिरों के जो स्वरूप हैं, जो उन पर पच्चीकारी और जिस तरीके का शिल्प और विन्यास किया जा रहा है वह भी बेहद अद्भुत है। और ये मंदिर जो कि अभी जहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यहाँ से 161 फीट ऊंचा गर्भगृह का शिखर होगा जो कि प्रकाश स्तंभ होगा सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान की आराधना करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भूमि पूजन का भी उन्हें सौभाग्य मिला और इस दिव्य भव्य मंदिर का साक्षात दर्शन करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है और किस तरीके से इस समय भव्य राष्ट्र निर्माण के साथ भव्य मंदिर निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक हमारी संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो तिमिर को समाप्त करता है, अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का प्रकाश समूची दुनिया में जिस तरह से भारत ने फैलाया है, तो उसी तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में दीप का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके आज छोटी दीपावली के अवसर पर भगवान श्री रामलला विराजमान के दिव्य भव्य नव्य धाम के निर्माण के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। समूचे राष्ट्र की तरफ से उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र निर्माण की कामना करते हैं तो वो समूचे राष्ट्र का आह्वान करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, श्रमजीवियों का आह्वान करते हैं, कर्मजीवियों का आह्वान करते हैं कि लोग राष्ट्र निर्माण में जुटे। शत शत दीप इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी चमक लिए, अपने अपने त्याग तपस्या श्रम संयम की दमक लिए। निश्चित तौर से एक दीप जलाने की परंपरा एक व्यक्ति द्वारा की जाए और अगर इसी परंपरा को हर व्यक्ति द्वारा बढ़ाया जाए तो कहीं भी अंधेरा नहीं रहे, कहीं भी तिमिर न रहे, कहीं भी अंधकार न रहे। और जो हमने संकल्पना, जो हमारा मंत्र है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय, यानी कि हम असत से सत की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चलें, और सबसे बड़ी बात ये कि हम राष्ट्र निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी, महासचिव, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय सहचर के रूप में हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।